हेलो गाइस, तो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपना विपासना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस जो कि अभी मैंने रिसेंटली लिया था सोलापुर में कुछ दिनों पहले। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विपासना मेडिटेशन के कई फायदे हैं। एक तो आपके ये माइंड को फोकस बनाता है, आपके डिसीजन लेने के पावर को इम्प्रूव करता है। ये आपके सारे नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, गंदे विचार, कोई भी कैसे भी विचार को आपको ये कोई भी थॉट को आपके कोई भी विचार कोई भी थॉट को ये पकड़ना सिखाता है कि अगर एक ये थॉट आता है तो इसको कैसे हम हैंडल करें, अगर आप डिप्रेस होते हैं तो कैसे इसको हैंडल करें, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो कैसे इसको मैनेज करें, अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो अचानक कुछ सुन के तो इसको कैसे कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें आपको मेडिटेशन से, विपासना मेडिटेशन से आपको समझ में आएगी। और हर चीज़ का एक प्राइस होता है, उसके बिना वो चीज़ नहीं मिलती। इसीलिए विपासना 10 दिन का कोर्स 10 दिन में आप 10 दिन बिना फ़ोन के, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से आई कांटेक्ट किए, बिना किसी से कोई इंटरेक्शन किए, आपको पूरा टाइम्स मतलब मान लीजिए 10 से 10.5 घंटा या फिर 10 घंटा एग्जैक्ट मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन और मेडिटेशन और मेडिटेशन ही करना होता है। और हर चीज़ का एक प्राइस होता है, तभी वो आपको मिलता है। और मेडिटेशन विपासना मेडिटेशन का प्राइस यही है, 10 दिन। 10 दिन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कुछ चेंज लाना है या कुछ इम्प्रूव करना है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस सेंटर में जाऊं मेडिटेशन करने या उस सेंटर में जाऊं या मैं उस सेंटर में जाऊं विपासना करने या उस सेंटर में जाऊं विपासना करने के लिए। देखिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप विपासना मेडिटेशन कोर्स करें। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ करें या वहाँ करें, क्योंकि ये कोर्स की जो स्ट्रक्चर है, टाइम टेबल है, नियम है, वो हर जगह एक ही जैसी है। तो कहीं भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलने वाला, आप भले कोई छोटे सेंटर में जाए या बड़े से बड़े सेंटर में जाए, तो वहाँ पे आपको कोई भी वैरायटी और कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4:30, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 बजे उठना है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 5 बजे भी उठ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 बजे लंच है, वहाँ पे लिखा है कि 12 बजे भी खा सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। हर जगह आपको इसके रूल्स जो है, विपासना के रूल्स जो है, वो एकदम सेम मिलेंगे। तो इसके बारे में तो आप कोई टेंशन मत लीजिए कि यहाँ कैसा होगा और वहाँ कैसा होगा। आपका मेन फोकस पर्पस ये होना चाहिए कि आपको बस मेडिटेशन करना है, विपासना मेडिटेशन करना है। और जो रूल्स को देखने का तरीका है कि 4 बजे उठना और 9, 9:30 बजे, 10 बजे तक सोना, इसको आप ऐसा लें कि आप अपने माइंड को डिसिप्लिन कर रहे हैं। आप अपने माइंड को डिसिप्लिन कर रहे हैं कि तो उठना है तो उठना है। आपका माइंड बोलेगा यार कहाँ जा रहा है यार, 4 बजे उठना मतलब 4 बजे तो हम यहाँ सोते थे, हम 6 बजे तो वहाँ सोते थे और यहाँ पे 4 बजे उठना है और रात को फिर 9, 9:30 बजे तक सोना है, कैसे होगा। तो ये आपका दिमाग आपको परेशान करेगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बार आप जाइए और दिमाग को पूरा तैयार करके जाइए कि मैं जा रहने वाला हूँ, जैसा सिस्टम है वो मैं फॉलो करने वाला हूँ, चाहे जो वो हो, मैं जो भी है मैं झेलूँगा, जो भी है मैं करूँगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और आप देखेंगे कि शायद आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे प्रॉब्लम होगी, नींद पूरी नहीं होगी, थोड़ा आलस आएगा, थोड़ा लगेगा क्या हो रहा है, वो शिट क्या हो रहा है, मैं भाग जाऊँ, ये कर लूँ। लेकिन आपको डरना नहीं है। मेरे साथ तो खैर वैसा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपने जो मेरे साथ में जो लोग थे और भी लोग जो जिन्होंने साथ में मेडिटेशन किया था, उनसे मैंने पूछा कि भाई कैसा रहा आपका फर्स्ट डे, कैसा था सेकेंड डे, थर्ड डे, तो वो बता रहे थे कि मतलब फर्स्ट डे तो मैं डर रहा था कि पता नहीं मैं फर्स्ट डे तो मैं मतलब मैं डर रहा था कि यार उठ पाऊँगा कि नहीं उठ पाऊँगा। तो इस टेंशन में मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं पूरा आधे नींद में मैं
सुबह 4 बजे उठ के फिर 4:30 बजे से जो मेडिटेशन स्टार्ट होता है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन फिर उसके बाद उसने बताया कि नहीं, फिर सेकंड डे से मेरे वो मुझे ठीक लगने लगा, पता नहीं क्यों कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। उसने कहा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है, पता है कि मैं टेंशन में था, इसलिए मैं वो जो 6-7 घंटा मिला था मैं सोया नहीं। और मैं फिर 6 बजे उठ गया, सॉरी 4 बजे उठ गया, और 4 बजे से उठ के पूरा 9 बजे तक मैं सोया ही नहीं। नींद आ रही थी लेकिन मैं आँख पे पानी मार के ये करके वो करके एक छोटा सा वॉक लेके थोड़ा सा सिर्फ लेट के 5 मिनट लेट के कुछ ना कुछ करके 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 मैंने फर्स्ट डे कैसे करके फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ 9 बजे। और फिर जो हाथ पैर धो के जो मैं 9 बजे सोया हूँ और सीधा मेरी नींद खुली है 4 बजे, मतलब 9-9:30 बजे जो भी सोया हूँ, 9:30-10 बजे जो भी सोया हूँ, सीधा मेरी नींद खुली है 4:30-4:30 बजे अलार्म बजते ही। और मैं फिर अगले दिन से मेरा सारा रूटीन एकदम बराबर हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम शायद आपको भी आ सकती है, तो इससे ये भी होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको एक चैलेंज की तरह लें, इससे आपका माइंड डिसिप्लिन होगा, आपकी डिसीजन लेने की पावर इंप्रूव होगी, आप फैसला ले पाएंगे कि उठना है तो उठना है। ऐसा नहीं कि चल आधा घंटा सो लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, चल फ़ोन देख लेते हैं, या फ़ोन, खैर फ़ोन तो वहाँ होता नहीं, आपको लगे डेली लाइफ में हमारे ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो मुझे यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके माइंड को, ये आपके दिमाग के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ये एक डिसिप्लिन में रखता है और आपको ये डिसिप्लिन सिखाता है कि जो करना है वो करना है। मुझे लगता है कि इसको ऐसे लेना चाहिए। और फिर जब आप सोचेंगे कि मैं मेडिटेशन के लिए जाऊं, तो फिर आप क्या आप फिर आपको ये दिमाग में मतलब ये फिर आपको ये दिमाग में आए फिर आपके ये दिमाग में आएगा कि यार वहाँ जाऊँगा, लोग कैसे होंगे, जगह कैसी होगी, जो रूम मिलेगा रूम कैसा होगा, उधर साफ़ सफाई कैसी होगी, बिस्तर कैसा होगा, खाना कैसा होगा, चाय वगैरह क्या होगी, प्रॉपर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ अगर इमरजेंसी होगी तो क्या होगा, बिना फ़ोन के मैं कैसे रहूँगा, बिना मैसेज के कैसा रहूँगा, किसी से बात नहीं करनी 10 दिन तक, किसी से बात नहीं करनी, क्या होगा, रात को नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, भूख लग गई तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें का टेंशन रहेगा आपको। ये सब और ऐसी बहुत सारी टेंशन मुझे भी हो रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रेडी किया और बोला कि जो भी हो मैं तो जाने वाला हूँ। बाकी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हर आदमी को सेम नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने जब मेडिटेशन करके जब 10वें दिन हमने बात की, तो एक दूसरे से बात करके मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ने बताया तो सबको एक चीज़, लेकिन मैंने उसे अलग तरीके से लिया, किसी और ने कुछ अलग तरीके से लिया, इसने कुछ और वे से लिया, उसने कुछ और वे से लिया, तो सबको गुरुजी ने बताया तो सबको एक जैसा, लेकिन जिसको जिस हिसाब से हेल्प होता है, जिस हिसाब से हेल्प होना है, उसको उस हिसाब से वो विद्या मिल जाती है और उसको वो उस हिसाब से वो हेल्प करता है मेडिटेशन, ठीक है। तो जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन का प्रॉब्लम है तो उसको वो टेंशन का निवारण करता है, किसी को लाइफ में कुछ करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम है तो उसको उस हिसाब से हेल्प करता है, किसी को मैरिज से लेके प्रॉब्लम है तो उसको उस हिसाब से हेल्प करता है, किसी को एजुकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टेंशन हो रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो उसको उस हिसाब से हेल्प करता है। तो ये टेक्निक विपासना मेडिटेशन टेक्निक तो एक है, लेकिन हर आदमी को अलग तरीके से छूता है, जहाँ तक ये मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैंने बाकी लोग से बात किया तो मुझे समझ में आया। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा।
पिछला वक्त भी बीत गया, ये वक्त भी बीत जाएगा और आने वाला वो वक्त भी बीत जाएगा। सब अनित्य है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सही है, सबका मंगल।